ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं तैयार, कैमरों से मॉनिटरिंग का मंसूबा तैयार। शहर भर में ऑटोमेटिक स्पीड रेडार्स लगा दिए गए, तमाम बड़ी शाहराओं पर हद रफ्तार के बोर्ड आवेजा, कैमरों की मदद से ओवर स्पीडिंग पर चालान किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाकर शहर को महफूज बनाना, सेफ सिटीज अथॉरिटी होगा। जिलाई इंतजामिया और ड्रग इंस्पेक्टर की पुलिस के हमराह कोट लखपत में बड़ी कार्रवाई, दुकान से हजारों की तादाद में जाली और नशावर इंजेक्शन बरामद, दुकान सील अदनान और अल्लाह दिता समेत तीन मुलजिम गिरफ्तार। डीसी लाहौर भी मौका पर पहुंचे, मनशियात फरोशी के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डेप्टी कमिश्नर बड़े नाम पर बड़ी दो नंबरी, एसी कैंट हैदर अब्बास वट्टू का पैकेजेस मॉल और हाइपरस्टार पर छापा, ग्राम फरोशी पर मैनेजर्स उमर फारूक और शाहिद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, 1,00,000 रुपए जुर्माना। दोनों स्टोर्स की इंतजामिया अशियाए जरूरिया पर ग्राम फरोशी में मुलव्वस पाई गई, तर्जुमान जिले इंतजामिया। हरबंसपुरा में 12 साल तालिब इलम अतीक पर उस्ताद का बहिमाना तशद्दुद, अतीक सर्विसेज अस्पताल में दाखिल, हालत तश्वीशनाक, कारी ने सबक ऊंची आवाज में ना सुनाने पर तशद्दुद किया, वालिद का इल्जाम। डॉक्टर्स के मुताबिक इब्तदाई तशखीस के मुताबिक तिली को नुकसान पहुंचा, पीर को मेडिकल रिपोर्ट के बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा, वालिद सदीक की गुफ्तगु। कानूनी कार्रवाई के लिए थाना हरबंसपुरा में दरखास्त दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले, इमरान खान का लाहौर में कब्जा माफिया और तजावुजात पर इजहार तशवीश, फौरी कार्रवाई का हुक्म, वज़रा को सूबे का दौरा करने और 100 रोज़ा प्लान की निगरानी की हिदायत। पंजाब में बदउनवानी का खात्मा बढ़िया चैलेंज होगा, अवामी मनसूबों का ऑडिट होगा, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए, करप्शन में मुलव्वस अफराद को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। बल्दियाती निज़ाम को 10 बरसों से मफलूज रखा गया, नए पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम की तरक्याती काम की असास होगा, जबकि बल्दियाती इदारों में निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं, साथ ही सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम केपी से बेहतर होगा, वजीर बल्दियात की वजीर आजम को इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। लाहौर पहुंचने पर रुकावटें क्यों खड़ी की, वज़ीर-ए-आज़म बरहम, सख्त नोटिस, शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रुकावटें फौरी खत्म की जाएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमत को हिदायत। जमान पार्क में नादरा के खिलाफ शहरियों के एहतजाज का भी नोटिस लिया, चेयरमैन नादरा को मुतासरीन से मुलाकात करने और फौरी मसाइल हल करने की हिदायत। आरिफ अलवी जहांगीर तरीन समेत वफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात, आरिफ अलवी ने सदारती इलेक्शन में चौधरी बरादरान से हिमायत मांग ली, एहतसाब के बगैर कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते, इमरान खान का मशकूर हूं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया। आरिफ अलवी की चौधरी बरादरान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का फोन आया था, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था, आरिफ अलवी को कामयाब कराने के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। हमें दिवालिया मईशत मिली जिसे बेहतर करना है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तरह सरकारी स्कूलों का मायार बेहतर करेंगे, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस मसाले को फौरी हल करेंगे, हमारा मकसद तालीम को फरोग देना और शोबे में बेहतरी लाना है। वजीर तालीम शफकत महमूद की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगु, फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात।
حکومت کا امتحان شروع ہو چکا، حکومتی منشور پر عمل درآمد کے منتظر ہیں، لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے، حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں، امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دارالشفقت کا دورہ، بشرا بی بی کی دوست فرح خان بھی ہمراہ، بچوں میں تحائف تقسیم کیے، کھانا بھی ساتھ کھایا، خاتون اول نے یتیم بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا، خاتون اول کی داتا دربار پر حاضری، فاتحہ خانی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صوبہ صحت کی بہتری کے لیے وزیر صحت متحرک، ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی آئی سی کا اچانک دورہ، وارڈز میں جا کر مریضوں کی عیادت سہولیات بارے دریافت کیا، بولی مریضوں اور ان کے لواحقین کی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا، بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کمال کر گئی آنکھوں ہی آنکھوں میں تو سوال کر گئی، آنکھوں ہی آنکھوں میں تو سوال کر گئی، دلی دیکھنے مردے نے دیکھنے پہلا تمہارے حق میں ہائے نکھرا تیرا نی۔ اور گانے پر رقص، پھر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ملازم خاتون مصیبت میں گرفتار، اعلی افسران نے تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا نوٹس لے لیا، خاتون کے خلاف انکوائری شروع، اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد۔